बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों में श्रद्धा और आस्था के केंद्र पन्ना के श्री प्राणनाथ जी मंदिर श्री जुगल किशोर जी मंदिर में दीपावली के बाद परिवार को दिवाली नृत्य की धूम रहती है। समूचे बुंदेलखंड से ग्वाले विशेष वेशभूषा व हाथों में मोर पंख लिए यहां पहुंचते हैं और यहां के प्रसिद्ध मंदिरों में माथा टेक कर दिवाली नृत्य करते हैं। पन्ना में दिवाली नृत्य की यह अनूठी परंपरा लगभग 300 वर्षों से चली आ रही है जो आज भी उसी तरह जारी है। श्री जुगल किशोर जी मंदिर के अलावा पन्ना शहर के अन्य प्रमुख मंदिरों श्री राम जानकी श्री बलदाऊ जी मंदिर श्री जगन्नाथ स्वामी मंदिर व श्री प्राणनाथ जी मंदिर में जाकर वहां भी तरह तरह के करतब दिखाते हुए ग्वाले दिवाली नृत्य करते हैं। यह अद्भुत नजारा देखने लोगों की भीड़ उमड़ती है। मालूम हो कि बुंदेलखंड क्षेत्र में दिवाली नृत्य की यह अनूठी प्राचीन परंपरा यहाँ 300 वर्षों से चली आ रही है। दीपावली के दूसरे दिन परिवार को यहाँ उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से बड़ी संख्या में ग्वालों की टोलियां आती हैं, जबकि मध्य प्रदेश के छतरपुर दमोह टीकमगढ़ आदि जिलों में ग्रामीण इलाकों से ग्वाले यहाँ आते हैं और यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों में नृत्य कर अपने को धन्य समझते हैं। पन्ना सहित पड़ोसी जिलों के ग्रामीण अंचलों से सैकड़ों की संख्या में ग्वालों की टोलियां रात्रि 12 बजे से ही पहुंचने लगती हैं। प्रथमा को सुबह 5 बजे से भगवान जुगल किशोर जी के दरबार में माथा टेकने के साथ ही दिवाली नृत्य का सिलसिला शुरू हो जाता है जो पूरे दिन चलता है। इस वर्ष ग्रहण की वजह से दीपावली के एक दिन बाद बुधवार को सुबह से ही हाथों में मोर पंख लिए तथा रंग बिरंगी पोशाक पहने ग्वालों की टोलियों का जुगल किशोर जी प्राणनाथ जी बलदाऊ जी श्री राम जानकी आदि मंदिरों में आने का सिलसिला शुरू हो गया था। ग्वाले पूरी भक्ति भाव के साथ भगवान की नैनाभिराम छवि के दर्शन करने के उपरांत पूरी मस्ती के साथ नगड़िया ढोलक और मजीरों की धुन में दिवाली नृत्य व रोमांचकारी लाठीबाजी का प्रदर्शन करते हैं, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। मालूम हो कि पन्ना नगर के सुप्रसिद्ध मंदिरों में दिवाली नृत्य प्रस्तुत करने की पौराणिक परंपरा है जिसका निर्वहन बुंदेलखंड के ग्वाले आज भी करते हैं। Thank you.